हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल mahagurus.com में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट में हम लोग अंडरलाइन कैसे करें। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। या तो हम वन बाय वन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर हम सेलेक्ट और ड्रैग कर सकते हैं, या फिर हम एक पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हैं। या फिर नहीं तो अगर एक सेल के अंदर, जैसा कि यहाँ पे है, एक सेल के अंदर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि नहीं, सब में नहीं, बस कुछ वर्ड्स में आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं इसको, चलिए सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस वर्ड को, इस सेल को सेलेक्ट किया, होम बटन पे क्लिक करेंगे और यू पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चेंज हो गया है। इसी तरह अगर आपको ये ग्रुप में करना है तो ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे, होम बटन में जाएंगे, यू पे फॉन्ट ग्रुप में, यू में आकर लेफ्ट क्लिक करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? अब क्या करेंगे, अगर आपको एक सेल के अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है बट आप चाहते हैं कि नहीं, इस कंप्लीट में नहीं, बस हमको कुछ वर्ड्स में चाहिए चेंजेस, तो आप क्या करेंगे कि सेल पे डबल क्लिक करेंगे। अब क्या हो जाएगा, इस पे हम एडिटेबल हो गया, ये जो सेल है ये एडिटेबल सेल हो गया। तो डबल क्लिक करने के बाद जितना भी आप सेलेक्ट करना चाहो उसको सेलेक्ट करो, फिर होम बटन में जाकर सिंपली यू पर क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ नेम ऑफ स्टूडेंट्स पे क्लिक करा था और बस उतना ही अंडरलाइन हुआ है। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की। तो शॉर्टकट्स के लिए हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं, इस चीज पे हम लोग यूज करते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस यू, कीबोर्ड में टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस यू। देख सकते हैं दोस्तों, ये अंडरलाइन हो चुका है। फिर से अगर हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यू करें तो ये रिमूव हो जाएगा अंडरलाइन। तो अगर आप एक बटन में जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं रिमूव और अंडरलाइन का, तो कंट्रोल प्लस यू और कंट्रोल प्लस यू से रिमूव। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का लेसन। हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पर विज़िट करें। थैंक यू।